हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज है 31 जनवरी। आज मेरी मॉम डैड की एनिवर्सरी है, इसलिए मैं उनको सरप्राइज देने के लिए बरेली जा रहा हूँ। तो चलिए घूम कर आते हैं बरेली। तो उस टाइम मैं हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे है और इंडिया का शायद सबसे पहला एक्सप्रेस वे यही है। यहाँ पर बाइक्स अलाउड नहीं है, बट हाँ कार्स और ट्रक्स अलाउड है। कार की स्पीड यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर है और ट्रक की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे डिसाइड करी गई है। बट रूल्स आर देयर टू बी ब्रोकन, क्या करें। चल रही है बाइक लेके, आगे देखिएगा, सबक मिलेगा इसका। आज मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। सोलो ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। आपके साथ कोई बात करने के लिए नहीं होता, कोई ये पूछने के लिए नहीं होता कि आप ठीक है या नहीं, थके तो नहीं, ब्रेक ले लो यार, कोई नहीं होता। बट हाँ एक सेटिस्फैक्शन होता है जब आप नई नई जगह देखते हैं, रास्तों में चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद शब्दों में ना भी हो सके। बट हाँ अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आप ज़रूर समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वाकई में जो ये रास्ते होते हैं ना, वो मंजिल से कहीं ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये चीज़ पहले मैं नहीं मानता था, बट हाँ उसे ट्रैवल करने लगा हूँ तब से ज़रूर मानता हूँ। क्योंकि राही मंजिल तो ढूंढ लेता है मगर रास्ते खो जाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नई नई जगह घूमते रहें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला ब्लॉग आप किस जगह का देखना चाहते हैं। ट्रैवल करने से काफ़ी फायदे होते हैं, एक तो आपका स्ट्रेस काफ़ी रिलीज होता है और आप खुद से मिल पाते हैं, वो चीज़ें कर पाते हैं जो आप शायद कभी ना करते। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिसके बारे में आप बाहर नहीं सोच के आ सकते हैं, लेकिन हाँ उस समय काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बातों की बातों में पता ही नहीं चला कि कब दिल्ली क्रॉस हो गया। अभी हमें गाज़ियाबाद में और बच कुछ टाइम के बाद ही हम यहाँ से लेफ्ट लेकर हापुड़ के लिए मुड़ जाएंगे और वहाँ से NH9 पकड़ के सीधे बरेली निकलेंगे। और फाइनली वो पल आ गया जिसका हर बाइकर को इंतज़ार नहीं होता। एक्सप्रेस वे पर आज बाइक्स के लिए चेकिंग चल रही थी क्योंकि ये जो 8 लेन हैं ये डेडिकेटेड हैं कार्स और हैवी व्हीकल्स के लिए। यहाँ पर बाइक बिल्कुल भी अलाउड है ही नहीं, बट मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। आगे देखिए क्या होता है। It was at this moment that he knew he fucked up. वैसे तो मैं सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, बट ये आज मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रूल तोड़ा हो और मैं पुलिस वालों के रुकने पे भी नहीं रुका, क्योंकि मुझे अपने 10,000 रुपये बहुत प्यारे हैं यार। यहाँ पे अगर बाइक पकड़ी जाती है आपकी तो चलान 10,000 रुपये का है। मेरे को लेफ्ट लेकर हापुड़ के लिए मुड़ना था, बट डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो मैंने सीधे ले लिया। अब यहाँ मेरठ तक कोई भी यू टर्न नहीं है, तो अब मुझे मेरठ होकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 40 से 50 किलोमीटर फालतू पड़ेंगे, बट कोई इशू नहीं है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ गजरौला और हमने ले लिया NH9। यहाँ से सीधे बरेली के लिए निकलेंगे। यूपी की रोड्स मतलब कतई खतरनाक रोड्स हो गए हैं आजकल, एक खड्डा नहीं है, 100 से नीचे गाड़ी उतरती ही नहीं है, क्या करें। फिर फाइनली हम बरेली पहुँच ही गए। गजरौला के बाद मैंने गाड़ी रोकी ही नहीं, 2 घंटे में गजरौला से बरेली गाड़ी लग गई। जैसे मैंने बताया था यूपी की रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, यहाँ एक भी गड्ढा नहीं है, गाड़ी 80-90-100 से नीचे नहीं उतरती, और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी यूपी में अब आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट अब काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। कहीं जाइएगा नहीं, ये तो सिर्फ दिल्ली से बरेली जाने का था। नेक्स्ट डे की भी वीडियो फुटेज है यहाँ पर, उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट लाइक करिएगा
और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा चैनल अभी काफ़ी नया है, तो अगर आपके कुछ सजेशंस भी हों, कुछ शिकायतें हों, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं उन सब चीज़ों में और ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा प्लीज़ आगे ना हो। नेक्स्ट डे मैं डेली के लिए वापस निकल गया। अगली सुबह सुबह उठ के ही मैं NH 540 पकड़ के सीधे डेली के लिए कूच करने लगा। सुबह सुबह की राइडिंग की बात ही कुछ और होती है। ठंडी ठंडी हवाएं, ताज़ा नज़ारे, हल्का हल्का कोहरा, चिड़ियों की चहचहाट और भी बहुत कुछ। आप लोगों का फेवरेट टाइम कौन सा है ट्रैवल करने का, सुबह दोपहर या शाम, और फेवरेट मौसम गर्मी बारिश या सर्दी? अभी हमें NH 540 पे ये जो हाईवे है ये हमें सिर्फ रामपुर तक ही मिलेगा, क्योंकि रामपुर के बाद हम लोग आ जाएंगे NH 9 पे। NH 9 एक काफ़ी अब कह सकते हैं ऐतिहासिक हाईवे है, क्योंकि NH 9 दिल्ली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, जो कि आदि कैलाश यात्रा में यूज होता है। इस हाईवे के बनने के बाद से ही दिल्ली से नैनीताल तक का जो सफर है वो और भी ज्यादा सुकून भरा हो गया है और काफी जल्दी हो जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली से बरेली भी काफी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि रास्तों में गड्ढे नहीं है, रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और इस हाईवे पे सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, चाहे वो कहीं रुकने के लिए हो, पेट्रोल पंप हो, खाने पीने की जगहें हो, रेस्टोरेंट हो और भी बहुत कुछ इस हाईवे पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ एक बार फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो मैं उसको एज अ फीडबैक लूँगा, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ की देखना चाहती है वो बताइए। थैंक यू, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई वीडियो में। PJ लाइफ साइनिंग आउट।